हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैमसंग का B313i मॉडल का सेट है दोस्तों, और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है डाउन की और लेफ्ट की, जो कि दोस्तों वर्क कर, आप देख सकते हैं राइट की वर्क कर रहे हैं जबकि लेफ्ट की वर्क नहीं कर रहे हैं। अप की भी वर्क कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसमें जो कि डाउन की वर्क नहीं कर रहे हैं, और बाकी के जितने भी की है दोस्तों लगभग सभी के सभी की जो कि दोस्तों वर्क कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कि आपकी काम कर रहे हैं लेकिन डाउन की जो कि दोस्तों वर्क नहीं कर रहे। सेम उसी प्रकार से राइट की वर्क कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट की जो कि दोस्तों वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले क्या करें, हम सारे बटन को एक बार प्रेस करके देख लेंगे कि सारे बटन वर्क कर रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ जो कि सारे बटन काम कर रहे हैं लेकिन दोनों ही बटन खाली वर्क नहीं कर रहे हैं सिर्फ। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो सेट है इसमें थोड़ा बहुत रंगा लगा हुआ है, इसको जो कि दोस्तों वॉश करने के लिए शायद किसी टेक्नीशियन को दिया था, उसके बाद उसने जो किया दोस्तों यहाँ पर रंगा भी लगा करके देखा है, उसके बाद भी जो किया दोस्तों यहाँ से प्रॉब्लम का जो है सॉल्व नहीं कर पाया, सॉल्यूशन नहीं कर पाया है। तो ऐसा अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको जो किया दोस्तों एक ट्वीजर लेना है, ट्वीजर की मदद से जो किया दोस्तों आपकी का जो आपका बाहर वाला हिस्सा है और डाउन की का जो जो बटन आपका वर्क नहीं कर रहा दोस्तों उसका आपका बीच वाला की से कनेक्ट करके देख लेना कि वर्क कर रहा है या नहीं। तो आपको साथ दिखाई दे रहा है कि डाउन की अब जो कि दोस्तों वर्क करने लग गया है, अब देख सकते हैं डाउन की और आ रहा है, यानी यहाँ से अगर यहाँ तक जम्पर देंगे दोस्तों नीचे तो मेरा जो कि वर्क करने लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो कि अब आप वाला वर्क कर रहे हैं लेकिन जब भी हम वहाँ से टच कर रहे हैं तो जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि है लेफ्ट की भी वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसका माइनस और उसका जो कि दोस्तों पॉजिटिव लेते हैं लेफ्ट की का तो ये भी जो कि दोस्तों लेफ्ट की भी वर्क करने लग जाते हैं। हम लोगों को क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले एक जम्पर वायर लेना है। तो चलिए मैं जो कि दोस्तों एक जम्पर वायर लेता हूँ, और जम्पर वायर लेने के बाद जो कि दोस्तों दोनों की का आपका जो की आप वाला की जो कि दोस्तों वर्क कर रहे हैं तो आप वाला की का जो बीच वाला जो आपका पॉइंट है दोस्तों लाइनिंग है बीच वाला में आपको जम्पर दे करके जो कि आपको डाउन वाले की में भी जम्पर कर देना है। सेम उसी प्रकार से जो कि दोस्तों आपको राइट में भी वैसा ही करना है कि लेफ्ट की से राइट की का जो आपका बीच वाला की है उसमें आप जम्पर कर देंगे, उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि आपका जो बटन है वो 101% वर्क करने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं जो हूँ यहाँ तक जम्पर कर लेता हूँ, और जम्पर करने के बाद जो कि दोस्तों आपको मैं दिखाऊँगा। तो जम्पर हो चुका है दोस्तों, और मैं जो कि इसका बटन को लगा देता हूँ और फिर आपको जो कि प्रेस करके दिखाता हूँ कि मेरा जो काम है वह बन पाया है या नहीं। सॉरी दोस्तों यहाँ जो कि एक बटन का जो ये है वो निकल चुका है, इसको मैं अच्छी तरीके से बैठा दूँगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो कि मैं बैठा दिया हूँ, और उसके बाद जो कि दोस्तों हम होम की पे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं मेन्यू की में। तो आप देख सकते हैं राइट की तो पहले भी वर्क कर रहा था लेफ्ट की वर्क नहीं कर रहा था, आप देख सकते हैं लेफ्ट की भी वर्क करने लग गए हैं। सेम उसी प्रकार से जो कि आपकी वर्क कर रहा था लेकिन डाउन की वर्क नहीं कर रहा था, अब जो कि दोस्तों डाउन की भी वर्क करने लग गए हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार की वीडियो और भी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब।